हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोना फ्रॉम सबस्टार चैनल और आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैकबेरी आइसक्रीम। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत कम समय में बनेगी और सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आप ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये आइसक्रीम हमारी बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनी है, बहुत, इसमें बिल्कुल क्रिस्टल्स नहीं है। ब्लैकबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक बाउल जामुन या ब्लैकबेरी, ये अपने टेस्ट के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/3 कप व्हिप्ड क्रीम लिए मैंने यहाँ, आप इसकी जगह पर मलाई का यूज भी कर सकते हैं। 1 कप फुल फैट मिल्क, 1/3 कप शुगर, इसे अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून या थोड़े टेस्ट के अनुसार टूटी फ्रूटी डेकोरेशन के लिए 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। और अब सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और गैस ऑन करेंगे। इसमें ये जो हमारा मिल्क है ये ऐड कर देंगे हम और इसमें उबाली आने देंगे। और अब एक उबाली आ जाने के बाद हम इसमें से थोड़ा सा मिल्क 1 टीस्पून के करीब अलग निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसमें ये शुगर ऐड कर देंगे और इसे डिजॉल्व होने देंगे इसमें अच्छी तरह से। और अब इस अलग निकाले हुए दूध में हमने ये जो कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टीस्पून इसे मिलाकर अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। इसे हमने डायरेक्टली दूध में इसलिए नहीं डाला है ताकि उसमें लम्स ना पड़ जाए। और इसे अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए, एकदम स्मूथ हो जाए ये। और अब ये जो हमारा दूध और शुगर अच्छे से उबल गया है इसमें हम ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्सअप करने के बाद 2 से 3 मिनट यूं ही पकाएंगे। इसे बहुत स्पीडली चलाएं आप स्पून की सहायता से क्योंकि कॉर्नफ्लोर एकदम से जमता है, इसलिए इसे चलाते रहें। और अब 2 मिनट बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये आइसक्रीम मिक्सचर को हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और इसे दूसरे बर्तन में निकालने के बाद हम इसे ठंडे होने देंगे अच्छी तरह से। और अगर इसमें आपको ऐसा लगे कि कहीं लम्स रह गए हैं तो आप एक बार फिर से इसे फेंट सकते हैं स्पून की सहायता से। और अब हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर ठंडा हो रहा है, जब तक ये जो हमने व्हिप्ड क्रीम ली है इसे हम एक बार स्पून की सहायता से फेंट लेंगे। अगर आपको व्हिप्ड क्रीम अवेलेबल ना हो या ना मिल पाए तो आप घर की मलाई फ्रेश भी यूज कर सकते हैं, उसे ऐसे ही हल्का सा फेंट लें आप, उसके बाद ऐड कर सकते हैं आइसक्रीम में। और अब इसे अच्छी तरह से फेंटने के बाद ये जो हमारा आइसक्रीम का जो मिक्सचर है हम इसमें ऐड कर देंगे इसे। और इसके बाद इसमें ये वेनिला एसेंस डालेंगे और इसे अच्छे तरह से मिक्सअप कर देंगे हम। और इसके बाद इसे हम एक बार हैंड बीटर की सहायता से अच्छी तरह से मिक्सअप कर देंगे। ये ना हो आपके पास तो आप स्पून से भी कर लें, उससे भी अच्छे से हो जाएगा। और अब इसे अच्छी तरह से फेंटने के बाद एक आइसक्रीम पॉट लेंगे हम, इसमें इसे हम ऐड कर देंगे आइसक्रीम मिक्सचर को। और अब इसके बाद हम इसे टैप कर देंगे एक दो बार ताकि एयर बबल्स जो हो वो निकल जाएं। और अगर फिर भी दिख रहे हो ये कुछ बबल्स तो इसको स्पून से आप ऐसे स्मूथ कर दें। और अब इसका हम लेट कवर कर देंगे। इसके लिए इसके पहले मैंने एक ये पॉलिथिन ली है ऐसे, इसे हम यूं लगा देंगे इस पे। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप सीधे इसकी कैप भी लगा सकते हैं इस पे। और अब इसके बाद हम इसकी लीड कवर कर देंगे इसे, एयर टाइट कंटेनर में ही आप आइसक्रीम जमाएं। और अब इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए रखेंगे। और अब 2 घंटे हो गए और आइसक्रीम बाहर निकालने से पहले हम ये जामुन का पल्प निकाल लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक नाइफ लिया है, जामुन को मैंने पहले ही अच्छे से धो लिया था। इसे हम हल्के हाथों से ऊपर का पल्प निकालेंगे, इसकी जो अंदर की गुठलियां हैं वो नहीं छिलनी चाहिए। ये ऊपर से स्लोली स्लोली आप निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। ये इसी तरह से सभी जामुन का पल्प निकाल लेंगे हम। और ये इस तरह से मैंने सारे जामुन के पल्प निकाल लिए हैं। और अब हम इसे एक मिक्सर जार में हल्का सा पीसेंगे, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करेंगे हम इसे। ये इस तरह से मैंने इसे पीस लिया है, अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। और अगर पीसते टाइम आपको ऐसा लगे कि अच्छे से नहीं पीस आ रहा है तो आप इसमें 1 टीस्पून पानी डालकर पीस सकते हैं। और अब ये हमने आइसक्रीम निकाल ली है फ्रिज से बाहर।
ये देखिए अच्छे से जम गई है, लेकिन 2 घंटे में यदि आपको ऐसा लगे कि आपकी आइसक्रीम अच्छे से नहीं जमी है तो आप 1 घंटा और टाइम बढ़ा सकते हैं इसका। और अब हम इस आइसक्रीम को एक बार फिर से फेटेंगे, तो इसके लिए मैंने एक जार ले लिया है, ये आइस क्रिस्टल ना जमे इसके लिए लिया है हमने। ये आइसक्रीम बहुत ही अच्छी जमी है, सॉफ्ट है एकदम। और अब ये जो हमारी जामुन की प्यूरी है इसे भी हम इसमें डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आइसक्रीम में। और इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं फेटना है, बस 1 से 2 मिनट तक इसे फेटना है। ये हमने 1 मिनट के लिए इसे फेट लिया है अच्छी तरह से, और ये देखिए टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। तो इसे वापस से इसे आइसक्रीम पॉट में हम ऐड कर देंगे। इस पॉट को मैंने क्लीन कर लिया एक बार फिर से, और अब इसे 2-3 बार हम टैप कर देंगे ताकि एयर बबल्स हट जाए इसमें से, और स्पून से भी एक बार ऐसे कर दें आप ताकि स्मूथ हो जाए ऊपर का पार्ट भी। और अब हम इसको फिर से लीड कवर करके रखेंगे, तो ये जो हमने पॉलिथीन लगाई थी ऐसे ही लगा देंगे, और फिर इस तरह से इसका लीड कवर करके इसे हम फिर से एक बार फ्रीज होने के लिए 5 से 6 घंटे के लिए रखेंगे। 6 से 7 घंटे हो गए हैं और ये मैंने आइसक्रीम फ्रीजर से बाहर निकाल ली है, और इसको हम ओपन करेंगे लीड को। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है आइसक्रीम, और ये देखिए कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसका, टेक्सचर बहुत प्यारा है। और अब हम ये स्कूपर की सहायता से आइसक्रीम निकालेंगे इसे ऐसे करके, तो रखूं। और अब एक सर्विंग बाउल में हम इसे निकाल लेंगे, इसी तरह से और निकाल लेंगे एक और स्कूप। ये देखिए हमने आइसक्रीम निकाल ली है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये। और अब ये जो हमने थोड़ी टूटी फ्रूटी ली थी इससे हम थोड़ा इसे डेकोरेट कर देंगे, और अगर बच्चों को ये टेस्ट पसंद हो तो आप इसे आइसक्रीम जमाते टाइम उसमें ही डाल सकते हैं। ये देखिए वाओ बहुत ही प्यारी लग रही है ये, और कलर तो बहुत ही अच्छा है इसका। तो ये रेसिपी आप घर पर जरूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।